जन अधिकार पार्टी के तत्वधान में पिछड़ा दलित व अल्पसंख्यक प्रतिनिधि भाईचारा सम्मेलन जनपद फिरोजाबाद के जसराना विधानसभा के गांव पाड़म में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बाबू सिंह कुशवाहा पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने सपा और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। सपा है तो बीजेपी है और बीजेपी है तो सपा है, और साथ ही मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार गेहूं और चावल नमक देकर वोटरों को लुभा रही है। सीतापुर कानपुर फतेहपुर आदि जिलों में बच्चियों के साथ हो रहे अत्याचार चरम सीमा पर है और कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। और बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि जन अधिकार पार्टी की सरकार आई तो सभी किसान भाइयों को बिजली पानी मुफ्त दिया जाएगा और सम्मान शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी और हर एक वर्ग जाति को अनुपात के हिसाब से हर एक क्षेत्र में बराबर हिस्सेदारी दी जाएगी। और कुशवाहा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जन अधिकार पार्टी पूरे 405 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जा रहे हैं जी, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे आप? मुद्दा हमारा ये है, एक समान शिक्षा पद्धति हो, फ्री शिक्षा हो, पढ़ने के बाद बच्चों को रोजगार हो, गरीब और कमजोर को फ्री स्वास्थ्य हो, फ्री इलाज हो, जाति जनगणना हो, किसान को खाद भी सस्ता हो, उसकी फसल की सही कीमत हो, बिजली फ्री हो। ये मुद्दे इस तरह के हैं, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, इन नारों के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और हम लोगों ने इधर 2.5 महीने से पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 55 जिलों में हम लोगों ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन हम लोगों ने किया। यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हम पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी खुद की तैयारी 305 विधानसभा में है, जहाँ हमारा बूथ लेवल तक का संगठन तैयार है। और अगर हम अकेले लड़ेंगे तो 305 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन कुछ हमारे साथियों से, जैसे हमारे साथी हैं आदरणीय रामकरण कश्यप जी, और कुछ साथियों से बात कर रहे हैं जो उनके छोटे संगठन हैं, तो अगर और लोगों से बात हो जाती है तो पूरे 403 सीटों पर लड़ेंगे, कोई सीट हम छोड़ेंगे नहीं और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, किसी से समझौता करके लड़ेंगे या पार्टी नहीं सीटों? हमारे साथ छोटे संगठन हैं, जैसे रामकरण कश्यप जी हैं, इसी तरह और कुछ साथियों से बात हो रही है, तो उनके साथ मिल करके हम पूरे 403 सीटों पर लड़ेंगे। बड़ी पार्टी से किसी से हमारी कोई बातचीत नहीं। यूपी में किससे मुकाबला मानते हैं आप? हमारा मुकाबला जो लड़ाई में दिखाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, यही लड़ पाएंगे। आज की सभा का क्या मुख्य उद्देश्य है? आज की सभा का क्या मुख्य उद्देश्य है? आज की सभा के मुख्य उद्देश्य क्या? मुख्य उद्देश्य है दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन, जिनकी हमारी समस्याएं सबकी एक तरह हैं। हम सब लोग दबे कुचले मजलूम लोग हैं, अगर हम अपने वोट का इकट्ठा करके एक जगह जन अधिकार पार्टी का इस्तेमाल करें और अपना प्रत्याशी जिता करके विधानसभा में भेजें, सत्ता में भागीदारी करें, वहीं से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर, 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राय रोड, मथुरा।